हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं नहीं भी शुभम, तो आज मैं आऊँ कार जोन में। तो यहाँ पर काफ़ी सारी सेकंड हैंड सेगमेंट में कार्स अवेलेबल हैं, नया स्टॉक आया है तो वो दिखाएंगे। तो मेरे साथ हैं अरबाज भाई, तो इनके साथ अभी चालू करेंगे। तो पहली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बता दो भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पूरा देख लेना, फिर इनका जो नंबर वगैरह रहेगा डिस्क्रिप्शन में बात कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं पहली गाड़ी से। पहली गाड़ी कौन सी है भाई? i10। तो i10 है पहली गाड़ी। कौन सा मॉडल रहेगा ये? 2008 का रहेगा, सेकेंड ओनर CNG। तो गाड़ी का कंडीशन दिखा दो अंदर से। मैनुअल ट्रांसमिशन, इंटीरियर भी ठीक ही है। 2008, तो मतलब इस पर लोन नहीं होगा, बाकी कैश में करनी पड़ेगी। कितना प्राइस रहेगा इसका? 175। ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा है, नॉर्मल प्राइस में हो जाएगा। कितना किलोमीटर चली होगी ये? 90,000। तो 90,000 किलोमीटर चली है i10। पेट्रोल है डीजल है? पेट्रोल विद सी एन जी रहेगी। तो ये i10 मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ब्रीजा है। 2018 का ZDI प्लस ड्यूल टोन। 2018 मतलब बिल्कुल ही नया है ये। नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन में रहेगा। 36,000 किलोमीटर रन हुआ है। 36,000 किलोमीटर चला है। अंदर से थोड़ा कंडीशन देख लेते हैं। मैनुअल रहेगी, 5 गियर ट्रांसमिशन मिलेंगे, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। कितना किलोमीटर चला होगा ये? 36,000। ज़्यादा चली भी नहीं है गाड़ी, कंपनी रिकॉर्ड भी। अंदर भी इंटीरियर काफ़ी ठीक है। बैक प्रोफाइल दिखाऊँ तो बैक प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। कितना डिमांड है इसका? 9 लाख रुपये। तो 9 लाख रुपये में ये मिल जाएगी, लोन हो जाएगा इस पर, फाइनेंस हो जाएगी, राइट? 90% लोन हो जाएगा। तो 90% तक लोन हो जाएगी ब्रीजा आपकी। आगे है i10 सेंट्रो। अच्छा सेंट्रो है, 2019 का मॉडल रहेगा सेंट्रो। 20,000 किलोमीटर चली है, राइट? जी। 20,000 किलोमीटर चली है, इंटीरियर भी अच्छा है। पेट्रोल है डीजल है? कंपनी सीएनजी। पेट्रोल भी सीएनजी रहेगी। तो जो लोग सीएनजी कार ढूंढ रहे हैं, तो भाई यहाँ पर काफ़ी सीएनजी अवेलेबल है। और सेंट्रो तो काफ़ी डिमांडिंग कार से तो ले सकते हो। बैक प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। कितना चली होगी ये? 20,000 किलोमीटर चली है, ज़्यादा चली भी नहीं है। क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका रहेगा 5,25,000 और नए का प्राइस है 6,80,000। ओके, 5,25,000 रुपये प्राइस रहेगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी गाड़ी है पोलो। ऑक्सवैगन का पोलो। पोलो कौन सा ईयर का मॉडल है? 2014 का मॉडल रहेगा। साइड प्रोफाइल देख लो, काफ़ी ठीक है गाड़ी का। अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ। पेट्रोल है डीजल रहेगी? प्योर पेट्रोल कार रहेगी। इंटीरियर भी काफ़ी ठीक है गाड़ी का, मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। कितना एयरबैग रहेगा इसमें? ड्यूल एयरबैग रहेगा। बैक में कंडीशन दिखा दूँ, बैक में भी सीट कवर वगैरह अच्छे लग रहे हैं। बैक प्रोफाइल दिखाऊँ, कितना प्राइस रहेगा इसका? 3,80,000 रहेगा। कितना किलोमीटर चली होगी? 50,000 किलोमीटर। 50,000 चली है पोलो, 3,80,000 में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये भी पोलो है। जी पोलो, ये डीजल है 2010। कितना किलोमीटर चली होगी? 1,25,000। फ्रंट प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। कौन से ईयर का मॉडल है? 2010। कितना किलोमीटर चली होगी? 125। ठीक है। और इंटीरियर वगैरह भी काफ़ी ठीक है गाड़ी का। पेट्रोल में है डीजल में? डीजल भाई। क्या प्राइस रहेगा इसका? 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपये में आपको मिल जाएगी। उसमें हो जाएगा लोन? नहीं, लोन इसमें लोन नहीं होगा, तो ये कैश में होगा। 2 लाख रुपीज़ नेगोशिएबल रहेगा। एक और है ईमियो।
कौन सी ईयर का मॉडल रहेगा ये? 2017 2017 का मॉडल रहेगा। टायर कंडीशन भी काफ़ी अच्छा है। कितना किलोमीटर चली होगी ये? 49,000 किलोमीटर चली है। मैनुअल ट्रांसमिशन में है। कंडीशन काफ़ी ठीक है अंदर का। काफ़ी ठीक है अंदर कंडीशन। बैक में भी अच्छा कंडीशन है। डिग्गी मिल जाएगी आपको। डीजल वेरिएंट में है? डीजल है, डीजल वेरिएंट है और इसका प्राइस रहेगा 5,35,000। 5,35,000 में ईमियो मिल जाएगी। आगे है हुंडई i20 है। i20 पेट्रोल, i20 पेट्रोल स्पोर्ट्स ऑप्शन। टॉप मॉडल है ये? नहीं, टॉप सेकंड टॉप मॉडल है। फर्स्ट ओनर है सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस रहेगी। और कितना किलोमीटर चली होगी भाई ये? 18,000। ओनली 18,000 किलोमीटर रन है गाड़ी। क्या रहेगा प्राइस इसका? 6,45,000 रहेगा। और लोन भी हो जाएगा इसमें, राइट? फाइनेंस हो जाएगी गाड़ी। आगे बढ़ते हैं। ऑल्टो, ऑल्टो 800 है। कौन सी ईयर का मॉडल है? 2015 का रहेगा मॉडल। कितना किलोमीटर चला होगा ये? 68,000 किलोमीटर चला है। अंदर से कंडीशन दिखा दूं मैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी के अंदर और कंडीशन भी अच्छी है। पेट्रोल है डीजल? प्योर पेट्रोल रहेगी। और कितना प्राइस रहेगा इसका? 2,55,000 रहेगा। और लोन हो जाएगा? मिनिमम कितना डाउन पेमेंट पे हो जाएगा इसका? मिनिमम आपको 50,000-60,000 50,000 में हो जाएगा। 50,000-60,000 डाउन पेमेंट। 50,000-60,000 में मिल जाएगी गाड़ी आपको। और ये है सेंट्रो, 2008 का मॉडल है। अंदर से कंडीशन दिखा दो। इंटीरियर आफ्टर मार्केट इंटीरियर है ना ये? जी आफ्टर मार्केट। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। पेट्रोल रहेगी डीजल रहेगी? पेट्रोल। ओके, प्योर फर्स्ट ओनर पेट्रोल रहेगी। कितना किलोमीटर चली होगी है? 1,13,000 किलोमीटर चली है। बैक प्रोफाइल भी काफ़ी ठीक है गाड़ी का। वेल मेंटेन कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ है। कितना प्राइस रहेगा इसका? 1,70,000 ठीक है। 1,70,000 इसका प्राइस रहेगा। तो गाइस ये थी गाड़ियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लेना और बस ऐसे सपोर्ट करते रहो। और सब्सक्राइब के बाद में ज्वाइन का बटन दिखेगा तो ज्वाइन कर लो यार, तो थोड़ा हम लोग को भी सपोर्ट मिल जाएगा चैनल को। हम भी एक BMW मर्सिडीज थोड़ी ख़रीद लेंगे तो अच्छा लगेगा हमें को भी। इतनी मेहनत करते हैं यार आपके लिए, तो इतना तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।